हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में आपके, ऑब्टेन द ऑल जीरोस ऑफ 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its 0 are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3। तो आपको यहाँ पे उसकी एक वैल्यू निकालनी है। पहले आपको यहाँ पे जीरोस दिए हैं, टू जीरोस दे दिए हैं, यानी x इक्वल टू क्या दिया है, एक दिया है आपको रूट में 5 by 3 और दूसरा आपको दिया है x इक्वल टू क्या दिया है माइनस रूट में 5 by 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट में 5 बाई 3 इक्वल टू 0 और दूसरे को लिख सकते हैं x प्लस, चूंकि इधर बुला रहे हैं तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 5 बाई 3। तो ये 2 0 जो आपको दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ भी ऑलरेडी ये px दे चुका है आपको। ये जीरोस लेके पहले जीरोस को, ठीक है, समझ लीजिए एक gx है। ठीक है, एक इक्वेशन इसको बनाइए मल्टीप्लाई करा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो जीरो लिखेंगे एक्स प्लस क्या है रूट में 5/3 और अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट में 5/3। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ इक्वल टू जीरो लगा दीजिए। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चूंकि आपको मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जो फाइनल आपका आएगा वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3, जो कि यहाँ रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये आपका। ठीक है, तो इसको मान लीजिए क्या gx, क्या मान लीजिए gx जैसे मानेंगे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा आपका qx आएगा और आपका क्या निकल गया rx, rx जो है रिमाइंडर है, qx क्वाड्रेंट है। अब जो सेकंड वाला जो भाग देने पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अब उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसे भाग दे। ठीक है, यहाँ जब भाग देंगे तो चलिए इसको हम थोड़ा से इरेज करते हैं। ठीक है, ये दो जीरोस आपके रूट दिए थे तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, इसको माना क्या जी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए जी एक्स इक्वल टू क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ले लेंगे, क्या ले लेंगे आपका, वहाँ आपका जीरो के इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जीरो के इक्वल था। जब आप काउंट वो ले लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू ये 3 उधर चला जाएगा। तो पी एक्स आपको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे इससे दीजिए भाग चाहे इससे दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम इससे भाग देंगे, क्योंकि यहाँ बटे में इसलिए हमने क्या कर लिए चेंज कर लिए। तो एक्स के पावर 4 प्लस सी 6x³ माइनस 2x² और यहाँ पे माइनस 10x माइनस 5 भाग किससे दे दीजिए 3x² माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाग देना, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में दो जो था पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सिर्फ भाग ही देना था, यहाँ पे भी आपको भाग देना है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के पावर 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तो किससे आ जाएगा आपका 3x के पावर 4 माइनस 5x² माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल। क्यूब वाला पार्ट है या नहीं है तो पहले क्यूब वाला पार्ट लिख लीजिए क्यूब। अब ये माइनस 2x² और यहाँ पे 5x प्लस में है तो घट के आ जाएगा कितना, यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव वाला है तो 3x² बच जाएगा माइनस 10x माइनस 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 6x³ है और यहाँ पे 3x² है। ठीक है, तो यहाँ हम किससे देंगे 2x से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6x³ और माइनस में
दो पचे दस एक्स, ठीक है, माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए थ्री एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है नीचे नहीं है, तो लिख लेंगे पहले। अब ये टेन एक्स प्लस में, अब माइनस में ये प्लस में, तो ये हो गया कैंसिल और बचा क्या माइनस फाइव। अब देखिए एक बार जब भाग देंगे वन से, प्लस वन से जब भाग देंगे प्लस वन से, तो ये ऑलरेडी आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया आपका जीरो। यानी कि आपको एक रिलेशन मालूम था, क्या रिलेशन मालूम था, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। चलिए पुट कर दीजिए इन रिलेशनों में, पहले मैं इसको मिटाता हूँ फिर ये वहां पे पुट कर दूंगा। रिमाइंडर आपका जीरो आया है, क्वाड्रेंट आपका क्यू एक्स आया है इतना, और हमारा पी एक्स है इतना, और जी एक्स है इतना, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, फिर लिखते हैं पी एक्स आपका यहाँ पे है थ्री एक्स के पावर फोर प्लस सिक्स एक्स के पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे माइनस फाइव इक्वल टू जी एक्स। जी एक्स आपका क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस फाइव, और आर जो क्यू एक्स आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे प्लस होता है आर एक्स, आर एक्स की वैल्यू क्या थी जीरो, ठीक है। तो इतना चीज तो हो गया था, अब ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से इस वैल्यू का रूट निकालना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इस वैल्यू का, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक्स स्क्वायर यहाँ पे किसका है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। अब यहाँ इक्वल टू जीरो निकाल दीजिए तो एक्स की दो वैल्यू आएगी क्या माइनस वन और माइनस वन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको वैल्यू निकाल के दिखानी थी इनको, ठीक है फाइनल। तो वहां पे जो आपका दिया था नंबर टू जीरो, उसकी सहायता से ये आपका क्या निकालना था, क्वाड्रेंट का वैल्यू आपको निकाल के दिखाना था इस क्वेश्चन में, तो यह हमने निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।